आज हम जंतुओं का वर्गीकरण, इससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं सबको करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। पहला, एनिमल सेल्स पॉसेस सेल वॉल, एनिमल सेल में सेल वॉल होती है। एनिमल्स आर यूनि सेलुलर यूकैरियोट्स, एनिमल्स यूनि सेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। तीसरा, एनिमल्स हैव ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यह अपना भोजन खुद बनाते हैं। एनिमल्स रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इनमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ये क्या होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और उसके लिए इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर टू, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। तो इसमें ऑप्शन ए है, द बॉडी सेल ऑफ एनिमल फॉर्म टिश्यू, जो एनिमल की बॉडी सेल होती है, बॉडी की जो सेल्स होती हैं वे टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, सही है। एनिमल्स गेट कार्बन एंड एनर्जी बाई इंजेस्टिंग अदर एनिमल्स, तो ये तो होता ही है, जो भी एनिमल्स हैं वे क्या करते हैं, कार्बन और एनर्जी के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं, या फिर वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो। तीसरा, एनिमल्स आर मोटाइल होते हैं, एक्टिव मूवमेंट होता है उनमें ड्यूरिंग सम स्टेज इन द देयर लाइफ, मतलब जीवन के किसी न किसी स्टेज में उनमें मूवमेंट होता है। जैसे कि अगर हम ल्यूकोशुलिनिया की बात करें, पोरीफेरा की, तो क्या होता है, सेसाइल होता है, लेकिन जब इन द लार्वल स्टेज वो क्या होता है, मूव करता है। ठीक है, तो इस तरह से किसी न किसी स्टेज में उनमें मोबिलिटी होती है। ऑप्शन नंबर डी, मियोटिक सेल डिवीजन ट्रांसफॉर्म द एनिमल जाइगोट इनटू मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो। तो देखो, जब गैमीट से एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, गैमीट से जब जाइगोट बनता है उस समय मियोटिक डिवीजन होता है, लेकिन जाइगोट से जब बनता है एम्ब्रियो तो उस समय जो डिवीजन होता है वो माइटोसिस होता है। तो यह ऑप्शन होगा डी, यह गलत दिया हुआ है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन इन स्पंज, जो ऑर्गेनाइजेशन है स्पंज में वह किस लेवल का है। तो यह होता है सेलुलर लेवल का, होता है सेलुलर ग्रेड होता है, यहाँ ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, मेटाजोअन्स विदाउट टिश्यू ग्रेड, ऐसे मेटाजोअन्स जिनमें टिश्यू का अभी टिश्यू नहीं फॉर्म हुआ है, ठीक है, उनको क्या कहते हैं। तो जो पैराजोआ के जीव हैं उनको मेटाजोअन्स के ऐसे जीव जिनमें अभी टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हुआ है उनको क्या कहते हैं, पैराजोआ। और पैराजोआ में सिर्फ एक ही फाइलम आता है और वो है पोरीफेरा। ठीक, अगला है, सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अकर्स इन, जो सेल टिश्यू ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन वो किसने पाया जाता है, तो वह पाया जाता है नाइडेरिया में, यानी हाइड्रा में। अगला क्वेश्चन है, विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन मेजोरिटी ऑफ एनिमल्स, अधिकतर जो एनिमल्स हैं उनमें किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो अधिकतर अगर हम बात करें, यहाँ सेल टिश्यू लेवल आ गया हाइड्रा में, उसके बाद ऑर्गन शुरू हो जाता है, और उसके बाद शुरू हो जाता है ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम जब शुरू हो जाता है उसके बाद से सभी जितने भी जीव हैं सब में ऑर्गन सिस्टम ही पाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन डी सही होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैच द फाइला लिस्टेड अंडर कॉलम वन फर्स्ट विद द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर देखो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिया है इसमें, पहले में फाइलम दिया है, दूसरे में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिया है, और इनमें मिलाना है कि किस में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो अगर हम पोरीफेरा की बात करें तो पोरीफेरा में कौन सा होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक, उसके बाद अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें तो कैसा होता है, प्रोटोप्लाज्मिक होता है। नाइडेरिया में कैसा होता है, सेल टिश्यू होता है। और कॉर्डाटा में कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है। ठीक है, तो अब नीचे वाला तो आप लोग खुद ही मिला लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान इज एग्जिबिटेड बाय, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान किस में पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है, स्पंज में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, द ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान इज शोन बाय, जो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, मतलब कि ट्रिपलेट्स हैं लेकिन अभी तक उनमें फॉर्मेशन नहीं हुआ है सिलोम का। ठीक है, उन्हें कहते हैं सैक बॉडी, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तो और यह किस में होता है, ट्रिपलेट हैं, ठीक है, लेकिन उनमें अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वह कौन होते हैं, नाइडेरियंस और फ्लैट वर्म। नाइडेरियंस और फ्लैट वर्म होते हैं। अच्छा, जब नाइडेरियंस होते हैं वे कैसे होते हैं, यह अभी तक डिप्लोब्लास्टिक ही है, पूरी तरह से डिप्लोब्लास्टिक नहीं बना है अभी,
ठीक है, लेकिन फिर भी जो नाइडेरियंस हैं वो आते हैं ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान में। नाइडेरिया आता है, टेनोफोरा आता है और फ्लैगवर्म आता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द बॉडी प्लान इज फाउंड इन द नीमेटोडा, नीमेटोडा में कौन सा बॉडी प्लान पाया जाता है। तो यहाँ पर सेक बॉडी प्लान किस में था, यहाँ नाइडेरिया और फ्लैटवर्म में। उसके जस्ट आगे के जो होते हैं उनमें पाया जाता है कौन सा, ट्यूब विद इन अ ट्यूब, और वो कौन होता है, नीमेटोडा। नीमेटोडा में पाया जाता है ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान है ये नीमेटोडा से शुरू होकर सब में चलता, तो ये मत सोचना कि सिर्फ और सिर्फ नीमेटोडा में पाया जाता है। प्लैटीहेल्मिंथी से आके जितने भी जीव हैं सब में यह ट्यूब विद इन अ ट्यूब पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेयर इन एनिमल्स, इन पूछ रहा है कि कौन सी सिमेट्री, यहाँ पे सिमेट्री दी है तो पूछ रहा है कौन सी सिमेट्री है कि जो एनिमल्स में रेयर होती है। तो कौन सी सिमेट्री एनिमल्स में रेयर होती है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है। और रेडियल सिमेट्री किस में पाई जाती है, कुछ स्पंजे में, कुछ स्पंज होती है जिनमें रेडियल सिमेट्री होती है, और मोस्टली रेडियल सिमेट्री पाई जाती है किन में, जो इकाइनोडर्माटा के जीव हैं और उसके बाद नाइडेरिया, तो इन दोनों में पाई जाती है रेडियल सिमेट्री। बाईलेटरल सिमेट्री, तो बाईलेटरल सिमेट्री आ जाती है, शुरुआत होता है प्लैटीहेल्मिंथी से, और प्लैटीहेल्मिंथी से आगे के सभी जीवों में बाईलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। स्फेरिकल सिमेट्री, स्फेरिकल सिमेट्री जैसे कि बॉलवॉक्स की कॉलोनी जानते हो ना, उसमें पाई जाती है, जो ऐसा स्फेरिकल जो ऑर्गेनिज्म होंगे उन्हीं में पाई जाएगी स्फेरिकल सिमेट्री। तो जो बॉलवॉक्स की कॉलोनी होती है उसमें पाया जाता है स्फेरिकल सिमेट्री, तो ऑप्शन बी होगा, या एनिमल्स में नहीं है, रेयर है। तो अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव रेडियल सिमेट्री, किस में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। तो स्टार फिश में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, जेली फिश में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, और सी अर्चिन में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा ऑप्शन, तो यहाँ पर यहाँ बी और ट्वेल्थ का डी। अगला क्वेश्चन, रेडियल सिमेट्री अकर्सिन, रेडियल सिमेट्री किस में पाई जाती है। तो देखो रेडियल सिमेट्री किस में पाई जाती है, मोस्टली सिलेंट्रेटा में पाई जाती है, ठीक, और इकाइनोडर्माटा में पाई जाती है। इकाइनोडर्माटा का क्या है, ऐसे बॉडी है, तो अगर इनको रेडियली अगर हम कट करें कितनी भी बारों में कट सकते हैं, तो यहाँ पे पेंटा रेडियल होता है, कैसा होता है, पेंटा रेडियल सिमेट्री होती है इनकी, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाजोन फाइला आर ग्रुप्ड अंडर रेडियाटा, रेडियाटा ग्रुप में किसे रखा गया है, किसे रखा गया है रेडियाटा ग्रुप में। तो देखो जिनमें ऐसे रेडियाटा ग्रुप में शुरुआत के सबसे पहले क्या था, एसिमेट्री, एसिमेट्री किस में थी, ल्यूकोशोलिनिया तक, मतलब पोरीफेरा तक। उसके आगे के जीव जो थे नाइडेरिया और टेनोफोरा, उन जीवों को रेडियाटा में रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। उसके बाद के जो जीव हैं वो तो बाइलेटरल हो जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद सिफेलाइजेशन, सिफेलाइजेशन, सिफेलो का मतलब क्या होता है, सिर होता है, ठीक है। तो सिफेल का मतलब हो गया सिर, सिफेलो मतलब हेड हो गया। तो जब भी हेड का फॉर्मेशन हो गया, मतलब किसी भी जीव में जब सिर का निर्माण हो गया, तो वह उसमें सिमेट्री कैसी हो जाती है, बाइलेटरल सिमेट्री हो जाती है। किसी में भी अगर मान लो ये सिर बन गया, तो दो आँखें बन जाएगी, एक नाक बन जाएगा, एक होंठ बन जाएगा, तो इनको हम ऐसे डिवाइड करेंगे ना, मतलब यहाँ पे अभी नोज बीच में से डिवाइड नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, बाइलेटरल सिमेट्री, सिर्फ एक ही बार इनको हम डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अगला, बाइलेटरल सिमेट्री इज अब्सेंट इन, बाइलेटरल सिमेट्री किसमें नहीं पाई जाती है। तो फ्रॉग में, क्योंकि ये सिफेलाइजेशन है, सिर पाया जाता है ना फ्रॉग में, तो उसमें भी है। मैमल में सिर पाया जाता है तो मैमल में भी होगा। ऑक्टोपस में भी सिर पाया जाता है, उसका सर ऐसा आपने देखा होगा, ऐसा ऐसा सर होता है ना, तो यहाँ पर आँखें भी होती हैं उसके, ठीक है, ऊपर पैर भी होते हैं, ऐसे पैर उसके ऐसे यहाँ तो होते हैं, ठीक है। तो ऑक्टोपस में पाया जाता है, लेकिन ओबेलिया में क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री नहीं पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री ए कॉम्प्लाइंट बाई, बाइलेटरल जो सिमेट्री होती है वो कहाँ से आती है। तो जब सिफाइलाइजेशन होता है ना, तो सिफाइलाइजेशन से शुरू हो जाती है बाइलेटरल सिमेट्री। विच सिमेट्री इज फाउंड इन ए सी एनिमॉन, सी एनिमॉन यानी मेट्रिडियम, और यह किससे किससे आता है, नाइडेरिया से आता है। तो इसमें कौन सी सिमेट्री पाई जाती है, इसमें कौन सी सिमेट्री पाई जाएगी,
इसमें जो सिमेट्री होती है वह रेडियल होगी, ठीक है, और यहाँ पर कौन सी होगी, बाई रेडियल होगी, ठीक है, क्योंकि रेडियल तो यहाँ पे दिया हो नहीं है, तो वहाँ पे बाई रेडियल होगा। अच्छा, बाई रेडियल क्यों होगी, या एनीमान का, अगर सी एनीमान का आपको इमेज याद हो तो कुछ ऐसी इमेज होती है उसकी, ठीक है, ऐसी इमेज होती है, ठीक है, तो ऐसी इमेज होते हैं बाई रेडियल होते, मतलब आप यहाँ से कट कर सकते हो, एक बार कर सकते हो, यहाँ से नीचे के प्लेन से आप एक बार भी कट करोगे तो कुछ भी फायदा नहीं है, ऊपर से आप एक बार कट कर सकते हो और फिर आप एक बार दोबारा कट कर सकते हो, तो वो क्या होता है, बाई रेडियल सिमेट्री होती है, ओनली टू टाइम्स आप इसे कट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, मैच द सिमेट्री लिस्टेड, यहाँ पर सिमेट्री दी हुई है, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर दी हुई है सिमेट्री और यहाँ पर दिया हुआ है फाइलम, तो यहाँ से आपको मिलाना है किसमें कौन सी सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे ए सिमेट्री किसमें होती है, पोरीफेरा में मोस्टली क्या होती है, ए सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री किसमें होती है, मोस्टली रेडियल सिमेट्री किसमें होती है, नाइडेरिया में होती है। बाई रेडियल सिमेट्री की अगर हम बात करें तो यह किसमें होती है, टेनोफोरा में, और बाइलेटरल की बात करें तो यह आर्थ्रोपोडा में होती है। तो जो डी है इसका पी ऐसे मिलाते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री किस में हो गई, आर्थ्रोपोडा में हो गई, ठीक। उसके बाद बाई रेडियल सिमेट्री किस में हो गई, बाई रेडियल सिमेट्री किस में हो गई, टेनोफोरा में हो गई, ठीक है। रेडियल सिमेट्री किस में हो गई, नाइडेरिया में हो गई, और ए सिमेट्री किस में हो गई, पोरीफेरा में हो गई। अच्छा, बीच में मैंने ऐसे कुछ मिला दिया है कि आप कन्फ्यूज हो जाओ कहाँ से कौन सा गया हुआ है तीर, ठीक है, लेकिन आपको याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला देखो, अगले क्वेश्चन की ओर बातें हैं। आल डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, आज जो इतने भी डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं वे कैसे होते हैं, तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं वे कैसे होंगे, अब देखो एंटेरोसिलेमेट्स तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है, मतलब सिलोम जो अंदर की सिलोम है वह तो बनी नहीं है, ठीक है, यूसिलोमेट्स भी नहीं होंगे, बाइलेटरली सिमेट्री भी नहीं होगी, तो होगी क्या, रेडियली सिमेट्री होगी। अगला, और रेडियली सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, यहाँ पे पूछा रेडियली सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कौन सा है, तो सबसे पहले हमारा हाइड्रा दिया हुआ है तो यही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ऑर्गेनिजम्स अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम, कोई ऑर्गेनिज्म जो रुका हुआ है, मतलब कि सेसाइल ऑर्गेनिज्म जो होता है उनमें कौन सी सिमेट्री, मतलब क्या पाया जाता है, तो रेडियल सिमेट्री, जितने भी सेसाइल होते हैं उनमें क्या होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। अगला, एसिमेट्रिकल बॉडी नहीं होती है, मोस्टली देखो मोस्टली उनमें ना जो बॉडी उनकी है तो किसी न किसी पार्ट में रेडियल सिमेट्री उनमें पाई ही जाती है, ठीक, तो रेडियल सिमेट्री होगी। वन सिंगल ओपनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वन सिंगल ओपनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सिंगल ओपनिंग नहीं होती, डाइजेस्टिव कैनाल के लिए सिंगल ओपनिंग नहीं होती है। अगला है, सिलिया ऑन द सरफेस ऑफ क्रिएट वाटर करंट, जो सिलिया उन पे पाए जाते हैं सरफेस पे वाटर करंट क्रिएट करते हैं, तो ऐसा भी जरूरी नहीं है। अगला है, रेडियल सिमेट्री इज ऑफन एग्जिबिटेड बाई एनिमल्स हैविंग, देखिए जो रेडियल सिमेट्री होती है एनिमल्स में जो क्या शो करती है, सिलियरी मोड ऑफ फीडिंग, रेडियल सिमेट्री से मतलब उन्हें क्या फ़ायदा होता है, क्या जो एग्जिबिट करते हैं रेडियल सिमेट्री उनमें क्या होता है, तो देखो यहाँ पर सिलियरी मोड ऑफ फीडिंग, इससे सिलियरी मोड और फीडिंग से कोई मतलब ही नहीं है। एक्वाटिक मोड ऑफ लिविंग, तो जितने भी हैं वे सभी एक्वाटिक ही थे, ठीक है, जितने भी थे रेडियल सिमेट्री जिन्हें पाई जाए तो वे सब एक्वाटिक ही हैं, लेकिन एक्वाटिक होने से रेडियल सिमेट्री से कोई संबंध नहीं है, ठीक, तो ये भी नहीं होगा। अगला है, बेंथोज होते हैं, मतलब पानी में गहराई में जो रहते हैं, समुद्र में काफ़ी जो गहराई में रहते हैं उनको बेंथोज कहते हैं, या सेडेंट्री नेचर होता है, तो रेडियल सिमेट्री अगर हम बात करें तो यह रेडियल सिमेट्री जो होती है वह होती ही इस वजह से है क्योंकि उसमें वे सेडेंट्री होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, सी। वन ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये भी इससे यह भी रेडियल सिमेट्री से जुड़ा हुआ कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एनिमल विद रेडियल सिमेट्री इन एडल्ट एंड बाइलेटरल सिमेट्री इन लार्वा, यह किस में पाया जाता है, किस में है कि बाइलेटरल सिमेट्री पाया जाता है, किस में,
लार्वा में, बाइलेटरल सिमेट्री लार्वा में पाया जाता है और रेडियल सिमेट्री पाई जाती है उनके एडल्ट में, यह किस में होता है? तो जो इकाइनोडर्म्स होते हैं, इकाइनोडर्म्स में जब आप देखते हो यही एक ऐसा जीव भी है जिसमें कि ऐसा होता है कि रेडियल सिमेट्री इनके यंग जो एडल्ट हैं उनमें पाई जाती है, ठीक, बाद में रेडियल सिमेट्री में चेंज होते हैं, लेकिन जो इनका लार्वा होता है वह बाइलेटरल सिमेट्री होती है उसमें। अगला क्वेश्चन है, एन एनिमल हैविंग डिप्लोब्लास्टिक असिलोमेट कंडीशन, कौन सा जीव है जिसमें कि डिप्लोब्लास्टिक जो है और एसिलोमेट है? तो एसिलोमेट डिप्लोब्लास्ट कौन सा है? एस्कैरिस ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाता है, ड्यूजेशिया इसमें नहीं आता है, पेरीप्लेनेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो मेट्रीडियम, मेट्रीडियम यानी सी एनिमॉन ये आ जाता है इसमें डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट में। अगला क्वेश्चन है, ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर, जितने भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं वे कैसे होते हैं? यू सिलोमेट्स होते हैं, तो अभी तो सिलोमेटा बना नहीं होता, जरूरी नहीं है कि प्लेटीहेल, जैसे कि प्लेटीहेल में थी जाए सिलोमेटा नहीं बना है, सीजो सिलोमेट होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं या फिर बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। तो जितने भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं वे सब के सब क्या होते हैं? बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, क्योंकि देखो सीजो सिलोमेट क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जब जैसे ही हम इकाइनोडर्माटा से आगे बढ़ते हैं तो ये सीजो सिलोमेट नहीं रह जाते हैं, वहीं तक सीजो सिलोमेट होंगे इकाइनोडर्माटा से पहले तक, ठीक है। रेडियली सिमेट्रिकल भी सब नहीं होते हैं, रेडियली सिमेट्री कहाँ तक पाई जा रही है, या सिर्फ इकाइनोडर्माटा में ही ऐसे जीव जीव हैं, मतलब जो हायर जीव आ जाते हैं तो उसमें सिर्फ हायर में वही इकाइनोडर्माटा है, बाकी तो ये नाइडेरियम पाया जा रहा है, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट कम्बिनेशन, यहाँ पर आपको करेक्ट कम्बिनेशन चूज करना है, एंटेरियर पार्ट द टेल इन पोस्टेरियर, द हैंड इन सिफेलिक टूअर्ड द टेल और पेक्टोरल द चेस्ट रीजन। तो एंटेरियर का मतलब टेल एंड नहीं होता है, ये तो आप जानते ही हो, ठीक, तो यह गलत हो गया। एंटेरियर मतलब जो हेड एंड होता है उसको एंटेरियर कहते हैं, तो मतलब कहें तो एंटेरियर का हेड एंड हो जाता है, पोस्टेरियर का टेल एंड हो जाता है, सिफेलिक का मतलब हेड होता है, तो मतलब टूअर्ड द हेड होता है, टूअर्ड द हेड सिर की ओर, ठीक है, तो सिफेलिक का मतलब टू, यहाँ पर ए वाला भी नहीं होगा। पेक्टोरल, पेक्टोरल का मतलब होता है चेस्ट रीजन, ठीक, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, गिव द करेक्ट मैचिंग ऑफ टर्म एंड डिस्क्रिप्शन, कुछ टर्म दिए हैं और उनको डिस्क्राइब करना है। वेंट्रल, अच्छा ये आपको अगर समझ जाओगे ना, मतलब यहाँ से जो क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो एग्जाम में आए हुए भी हैं, तो यहाँ से समझ जाओगे तो आगे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी किसी भी चीज़ को। गिव द करेक्ट मैचिंग ऑफ द टर्म एंड कंडीशन, तो यहाँ पर दिया हुआ वेंट्रल, वेंट्रल का करेक्ट मैच करना है, तो वेंट्रल का मतलब पूछ रहा है द बेली ऑफ एन एनिमल, जो बेली ऑफ एन एनिमल, तो जाहिर सी बात है जो वेंट्रल पार्ट होता है एक डॉर्सल पार्ट होता है, तो डॉर्सल का मतलब अगर हम फिश को बनाएं, ठीक, फिश कुछ ऐसी होती है ना फिश, ठीक है, तो अगर फिश बनाए तो डॉर्सल पार्ट कौन सा होता है? अपर पार्ट, ठीक है, जो बैक है इसका, जो यहाँ पे जो बेली पार्ट होता है वो कौन सा हो जाता है? वेंट्रल पार्ट हो जाता है, ठीक, तो वेंट्रल पार्ट क्या हो जाएगा? द बेली ऑफ एन एनिमल, तो ए सही हो जाएगा, बाकी सब को आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। आगे देखते हैं, सेगमेंटेशन और मेटा मेरिज्म इज फर्स्ट सीन इन, सेगमेंटेशन या मेटा मेरिज्म सबसे पहले किसमें देखा गया था? तो सबसे पहले किसमें मेटा मेरिज्म देखा गया है या सेगमेंटेशन सबसे पहले किसमें हुआ था? एनेलिडा में, किसमें हुआ था सबसे पहले? एनेलिडा में, राउंड वर्म में होता ही नहीं है सेगमेंटेशन, जेलीफिश में भी नहीं है और स्पंज में भी नहीं है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है उसमें कौन होगा? एनेलिडा होगा। अगला क्वेश्चन है, बॉडी इज अनसेगमेंटेड इन, किसमें बॉडी अनसेगमेंटेड होती है? तो किसमें होती है? हाइड्रा, पेरीप्लेनेटा, मेटाफायर और राना, तो ए तो राना, मेटाफायर और पेरीप्लेनेटा, इन सब में बॉडी सेगमेंटेड होती है, लेकिन हाइड्रा कैसा होता है? अनसेगमेंटेड। अगला, बिसाइड्स एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा मेटा मेरिज्म इज फाउंड इन, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा को अगर छोड़ दिया जाए तो मेटा मेरिज्म किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? कार्डेटा में पाया जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, असिलोम बॉडी कैविटी डिराइव्ड फ्रॉम ब्लास्टोसिल इज नोन एज, जब सिलोम जो बॉडी कैविटी है होती है वह ब्लास्टोसिल से बनती है तो इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसे? स्यूडोसिल। क्या कहते हैं? स्यूडोसिल।
सील करते हैं। जब बॉडी ऐसी है कि अगर सिलोम जो बन रहा है, जो बॉडी की कैविटी बन रही है, वह कहाँ से बन रही है? ब्लास्टोसिल से, तो क्या होगा? स्यूडोसिल हो जाता है। अच्छा, स्यूडोसिल किस में पाया जाता है? एस्केरिस में पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, द एनिमल्स विद स्यूडोसिल आर, कौन से एनिमल हैं जिनमें स्यूडोसिल पाया जाता है? एमिया एंड लीच, नहीं। लिपिजमा एंड लीवर फ्लू, ये भी नहीं होगा। और एलिया एंड ड्रैगन फ्लाई, नहीं। बुचरेरिया एंड हुकवर्म, तो जो प्लेटी हेलमेंथ एसके हेलमेंथीज के जीव होते हैं, एसके हेलमेंथीज के जीव या नीमेटोडा, उनमें पाया जाता है स्यूडोसिल। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिलोम में जो स्पेस बिटवीन, सिलोम एक स्पेस है, किसके किसके बीच का स्पेस है सिलोम? तो स्प्लिटेड मीजोडर्म, जब मीजोडर्म स्प्लिट होता है, मीजोडर्म में धक्का, मतलब एक तरह से वो अंदर की तरफ खिसकता है, तो बनता है सिलोम। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बॉडी कैविटी लाइंड बाय मीजोडर्म, जो बॉडी कैविटी मीजोडर्म से बनती है वह क्या होती है? तो वह मतलब यू सिलोम या रियल सिलोम वही होता है जो मीजोडर्म की लाइनिंग से बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एन एंटेरोसिलोमेट इनवर्टिब्रेट ग्रुप इज, एंटेरोसिलोमेट, ठीक है, इनवर्टिब्रेट ग्रुप कौन सा है? तो एंटेरोसिलोमेट जो अंदर की तरफ जो एंटेरोसिलोमेट ग्रुप है, जो ऐसा सिलोमेट ग्रुप की जो मतलब पेंटारेडिएट होते हैं ना, तो अंदर तक जो है वह पाया जाता है इकाइनोडर्माटा में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर फाइलम दिया हुआ है और बॉडी कैविटी दी है, यहाँ पर मिलाना है किसमें कौन सी बॉडी कैविटी पाई जाती है। तो अगर हम प्लेटी हेलमेंथीज की बात करें तो इसमें कोई भी बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें कोई भी बॉडी कैविटी नहीं है। नीमेटोडा की बात करें तो इसमें कैसी होती है? स्यूडोसिल होता है। ठीक है, एनेलिडा में कैसा होता है? एनेलिडा में साइजोसिल होता है। ठीक है, और यहाँ ये जो साइजोसिल होता है वो कहाँ होता है? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके आगे के जो जीव होते हैं, मतलब इकाइनोडर्माटा और उसके आगे के जो जीव, उनमें क्या होता है? एंटेरोसिलोम होता पाया जाता है। तो यहाँ पर अगला हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज ड्यूटेरोस्टोम, इसमें से ड्यूटेरोस्टोम ग्रुप कौन सा है? तो ड्यूटेरोस्टोम ग्रुप कौन सा होता है जिसमें जो ब्लास्टोपोर है वहाँ से एनस का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, जो ब्लास्टुला है उसमें पहले अगर एनस का डेवलपमेंट हो रहा है तो ड्यूटेरोस्टोम कहलाते हैं, और प्रोटोस्टोम में पहले माउथ का डेवलपमेंट होता है। तो इसमें कौन है? ड्यूटेरोस्टोम। तो यहाँ पर ऑप्शन डी देख लो, यहाँ इकाइनोडर्माटा से ही शुरुआत होती है ड्यूटेरोस्टोम की। तो पहले दूसरे तीसरे में तो है नहीं, चौथे में इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा और कॉर्डाटा, ये सभी क्या होते हैं? ड्यूटेरोस्टोम होते हैं। अगला, आइडेंटिफाई या ड्यूटेरोस्टोम, ड्यूटेरोस्टोम को आइडेंटिफाई करना है। तो चलो आइडेंटिफाई करते हैं इसको। ल्यूकोसोलिनिया नहीं होगा, डेंटेलियम नहीं होगा, ड्यूजेशिया ये भी नहीं होगा, ओफनियोथोरेक्स, ठीक है, ओफनियोथ्रिक्स जो है वह क्या होता है? ड्यूटेरोस्टोम है। अगला, ड्यूटेरोस्टोमिया आर द एनिमल इन विच ब्लास्टोपोर ऑफ द गैस्ट्रुला बिकम्स, जो ब्लास्टोपोर है, गैस्ट्रुला जब बनता है तो उसका जो ब्लास्टोपोर है उससे क्या बनता है ड्यूटेरोस्टोम में? एनस बनता है। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इनवर्टिब्रेट इज ड्यूटेरोस्टोम एंड एंटेरोसिल सिलोमेट, तो पूछ रहा है कौन है जो कि ड्यूटेरोस्टोम है। तो ड्यूटेरोस्टोम की शुरुआत कहाँ से होती है? इकाइनोडर्माटा से। तो इसमें इकाइनोडर्माटा का जीव कौन सा है? इसमें एस्टेरियस है, तो यही होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग एनिमल फाइलम बिलोंगिंग टू ड्यूटेरोस्टोमिया, ड्यूटेरोस्टोमिया से बिलोंग कौन करता है? तो ये करता है इकाइनोडर्माटा, बाकी आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और एनेलिडा, ये तीनों क्या हैं? प्रोटोस्टोम है। अगला, विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्यूटेरोस्टोम, ड्यूटेरोस्टोम की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो स्पाइरल क्लीवेज बिल्कुल नहीं होगा। स्पाइरल क्लीवेज किसकी खास बात होती है? प्रोटोस्टोम की। तो पहले ये दोनों कट कर दो। फिर आया रेडियल क्लीवेज, रेडियल क्लीवेज होता है और क्या होता है? ब्लास्टोपोर बिकमिंग एनस, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ग्रुप इन फॉलोइंग हैविंग ऑल एनिमल्स बिलोंग टू द सेम क्लास, इसमें से कौन से एनिमल्स हैं जो सेम क्लास से बिलोंग करते हैं? डॉग फिश, सिल्वर फिश, क्रे फिश, फ्लैट फिश, समझ में आ गया ना यहाँ पे?
पहले दोनों को देख के पता चल गया कि दोनों अलग अलग क्लास से बिलोंग करते हैं। अगला है ग्लोवर्म, सिल्क वर्म, हाउस फ्लाई, बेड बग। ये सब के सब क्या हैं? एक ही क्लास के हैं। और वो क्लास कौन सी है? कौन सी क्लास के हैं सब के सब? सिल्क वर्म, हाउस फ्लाई, बेड बग, ये सब क्या हैं? इंसेक्टा है ना। ठीक, अगला है सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, सी फैन, सी लायन। तो यहाँ पर देखो सी लायन, यहाँ पर सी अर्चिन, सी कुकुम्बर सेम है, बट सी फैन का है यह अलग है। उसके बाद सेंटीपेड, अर्थवर्म, कैटरपिलर, सिपवर्म, तो यहाँ पे अर्थवर्म अलग हो गया। ठीक है, तो आते हैं अगले यहाँ पर। तो ऑप्शन कौन सा हो गया इसका? इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? ग्लोवर्म, सिल्कवर्म, हाउस फ्लाई, बेडवर्म। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। चूज द करेक्ट कम्बिनेशन, एनेलिडा और पोरीफेरा। एनेलिडा और पोरीफेरा क्या है? फाइला है। ओलिगोकीटा और आर्थ्रोपोडा, ओलिगोकीटा आर्थ्रोपोडा, ये फाइला तो नहीं है ओलिगोकीटा। ठीक, मोलस्का और हाइड्रोजोआ, ये भी क्लास नहीं है मोलस्का। ठीक, तो यहाँ पर एव्स और कार्डाटा, ये दोनों क्लासेस, तो ये भी नहीं है। एव्स कार्डाटा क्लास नहीं है। तो यहाँ पर एनेलिडा एंड पोरीफेरा, ये क्या हो गया? फाइला है। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन इनका। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑल एनिमल्स आर हर्माफ्रोडाइट। इसमें कौन ऐसे एनिमल्स हैं जो सबके सब क्या है? हर्माफ्रोडाइट हैं। तो हर्माफ्रोडाइट कौन है? टैपवर्म, टोड और स्टारफिश। इसमें से क्या ये हर्माफ्रोडाइट हैं? यहाँ पे एक टोड दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या हर्माफ्रोडाइट होंगे? नहीं होंगे। अगला हाइड्रा, लीच और टैपवर्म, तो ये तो हर्माफ्रोडाइट होते हैं ना। अगला हाइड्रा एस्कैरिस, एस्कैरिस तो नहीं होती है, एस्कैरिस में मेल फीमेल दोनों ही होते हैं। हाइड्रा होमोसैपियंस, लीच तो यहाँ होमोसैपियंस है तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, गोरिल्ला, चिंपैंजी, मंकी एंड मैन बिलोंग टू द सेम। गोरिल्ला, चिंपैंजी और ये मंकी और मैन, इन सबको किस में रखा गया है? सेम ऑर्डर में रखा गया है। और इनका ऑर्डर कौन सा है? प्राइमेट। किस ऑर्डर में रखा गया है? प्राइमेट ऑर्डर में रखा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग सो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म किस में पाया जाता है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि फीमेल और मेल दोनों ही दिखने में, देख के आप पहचान सकते हो कि कौन मेल है कौन सा फीमेल है। तो एस्कैरिस में तो पाया जाता है, लेकिन हाइड्रा में नहीं पाया जाता है। हाइड्रा क्या है? हर्माफ्रोडाइट है। एस्कैरिस और मेटाफायर, एस्कैरिस और क्या है? ऑरिक्टोलैगस है, और हाइड्रा एंड ऑरिक्टोलैगस है। तो यह किस में पाया जाता है? एस्कैरिस एंड ऑरिक्टोलैगस में। ठीक है, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुअरली डिफाइंड टिश्यू लेयर आर फाउंड इन। पुअरली डिफाइंड टिश्यू लेयर किस में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? पोरीफेरा में। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सेलुलर लेवल कहते हैं, क्योंकि इसमें अभी जो टिश्यू है ना वो डिफाइंड नहीं हुआ, मतलब अभी वो डिफाइन हो रहा है। ठीक है, बन रहे हैं उस, अभी सेल्स एक साथ जुड़ तो रहे हैं, लेकिन फिर भी मतलब एक साथ सेल जुड़े हुए हैं, लेकिन काम वो सब अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इनमें जो डाइजेशन होता है कैसा होता है? सेलुलर होता है। जबकि अगर हाइड्रा की बात करें तो उसमें क्या होता है? टिश्यू लेवल का डाइजेशन होता है। ठीक, आगे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर इज अ ड्यूटेरियोस्टोम। इसमें से ड्यूटेरियोस्टोम कौन सा है? तो जो स्टार फिश दब दे दिया है, तो स्टार फिश से ड्यूटेरियोस्टोम होगी, तो ऑप्शन ए। अगला, एम्ब्रियोलॉजिकली स्पीकिंग, सिलोम एराइजेज फ्रॉम ए स्प्लीट इन द मीजोडर्मल बैंड, प्लेट्स आर मासेज इन। अच्छा, यहाँ पर क्या कर रहा है? जो एम्ब्रियोलॉजिकली स्पीकिंग कहें, तो जो सिलोम बन रहा है वो कहाँ से बन रहा है? मीजोडर्म के बैंड से बन रहा है। ठीक है, तो ऐसा किसमें पाया जाता है? तो देखो, जो मीजोडर्म के बैंड से बन रहा है, प्लेट बना रहा है और मास से। ठीक है, मीजोडर्म जब स्प्लीट करके बन रही है, ठीक है, तो वो कौन सा होता है? प्रोटोस्टोम। ऐसा सीलोम जो मीजोडर्म के स्प्लीट करने से बने, वो कौन होता है? वो किसमें पाया जाता है? प्रोटोस्टोमिया में पाया जाता है। ड्यूटेरियोस्टोम में क्या होता है कि वहाँ पर पाउच बनता है। यहाँ पर अगर हम बताएं, अगर ऐसे बना है ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मीजोडर्म है, तो मीजोडर्म स्प्लीट हो रही है और फिर अगर कुछ बन रहा है, तो वह क्या होगा? प्रोटोस्टोमिया होगा। और अगर यहाँ पर पाउच बन रहा है,
यहाँ पर पाउच बन गया, ठीक है। तो अगर इस पाउच से डेवलप होगा तो वह पाउच से डेवलप होगा तो क्या होगा, ड्यूटेरोस्टोम होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ मैच कराना है, क्लास है और उस क्लास का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इसको आपको मैच कराना है। पॉलीकीटा क्लास से कौन बिलोंग करता है बताओ, पॉलीकीटा, ट्रीमेटोडा, एरेक्निडा और गैस्ट्रोपोडा, कौन बिलोंग करता है पॉलीकीटा से। तो पॉलीकीटा मतलब ढेर सारे पैर, ढेर सारे पैर किस में पाए जाते हैं, नेरिस में पाए जाते हैं, ठीक है। तो पॉलीकीटा से नेरिस बिलोंग करता है। अगला है ट्रीमेटोडा, तो ट्रीमेटोडा से कौन बिलोंग करता है, कौन करता है, लीवर फ्लुक, ठीक है। अगला अरेक्निडा, अरेक्निडा से कौन सा बिलोंग करता है, स्कॉर्पियन, ठीक। आगे यहाँ अगला गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रोपोडा से कौन बिलोंग करता है, पाइला या स्टारफिश, तो पाइला, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोटोस्टोमियन, इसमें से प्रोटोस्टोम कौन सा है, कौन है जो प्रोटोस्टोमियम है, कौन है, यहाँ पर प्रिस्टिस, प्रेसबाइटिस और इकाइनस, ये तो है नहीं, ट्राइकिनेलिया जो है वो क्या है, प्रोटोस्टेमियम है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्री द रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस इज क्विकर एंड मोर प्रेशियस, इसे पूछ रहा है जो सिमेट्री है, कौन सी सिमेट्री है जो एक्सटर्नल सिमेट्री दिखाई दे रही है, स्टिमुलस है क्यूकर जल्दी होती है और मोर प्रेशियस होती है, कौन सी सिमेट्री ऐसी है। तो बाईलेटरल सिमेट्री, जाहिर सी बात है बाईलेटरल सिमेट्री सबसे ज़्यादा जीवों में पाई जाती है और सबसे ज़्यादा प्रेशियस है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। विच वन इज़ द इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा गलत है, तो कौन सा गलत है इसमें, हिरुडिनेरिया, हिरुडो, नीमेटोडा, एस्कैरिस, हिरुडिनिया, अच्छा हिरुडिनिया से बिलोंग करता है हिरुडो, ठीक है, नीमेटोडा से एस्कैरिस, पॉलीकीटा लम्ब्रिकस, नो, ओलिगोकीटा, मेटाफ्राइस। तो यहाँ पर जो पॉलीकीटा है इससे कौन बिलोंग करता है, नेरिस बिलोंग करता है, तो ऑप्शन सी गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइजोसिलोमेट्स एंड एंटेरोसिलोमेट्स आर, जो साइजोसिलोमेट है और एंटेरोसिलोमेट है ये क्या होते हैं, एसिलोमेट नहीं, इनवर्टिब्रेट नहीं, या जैसे एंटेरोसिलोमेट की बात करें तो ये इनवर्टिब्रेट तो है नहीं, या वर्टिब्राटा में भी पाया जाता है, ट्रू सिलोम्स, तो हाँ ये ट्रू सिलोम होते हैं, इकाइनोडर्म्स ओनली, तो नहीं सिर्फ इकाइनोडर्म नहीं है ये, बाकी सब में भी पाए जाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयरिंग ऑफ द क्लासिफिकेशन ग्रुप एंड कॉमन एग्जाम्पल, यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन है जिसका मतलब ग्रुप, क्लासिफिकेशन का ग्रुप यानी कि उसका फाइलम दिया होगा, और नहीं फाइलम ही सिर्फ नहीं है बाकी चीज़ें भी हैं उसकी, ठीक है, और उसके आगे उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो कौन सा करेक्ट मैच कर रहा है, क्या दिए, कॉमन मैच है ना, करेक्ट पेयरिंग है, सही है। तो पोरीफेरा में सी फैन नहीं पाया जाता है, सी फैन किस में पाया जाता है, उसके आगे। अगला क्रस्टेशिया, क्रस्टेशिया में कटलफिश नहीं पाया जाता है, प्लेटी हेलमेंथीज में नेरिस नहीं पाई जाती है, मैस्टिगोफोरा, मैस्टिगोफोरा में बॉलबॉक्स पाया जाता है, ठीक है, मैस्टिगोफोरा से में से बिलोंग करता है बॉलबॉक्स। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और इसके साथ ही ख़त्म हो गया, अगला क्वेश्चन है ही नहीं यहाँ पे, ठीक। तो इस तरह से हमने मोर देन 65 क्वेश्चन किए हैं, 70 नहीं है क्योंकि बीच के एक आध क्वेश्चन ऐसे हैं, मतलब एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने हटा दिए हैं, तो 70 क्वेश्चंस हम मतलब 65 प्लस क्वेश्चन हमने कर लिए इससे जुड़े हुए। एंड आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे, अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी।